हेलो बच्चों, एक न्यू क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री देन फाइंड थीटा। और नेक्स्ट पार्ट है इफ कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू वन देन फाइंड थीटा। सबसे पहले पार्ट वन को सॉल्व करते हैं। पार्ट वन में जो गिवन डाटा है उसे हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो गिवन में क्या है बच्चों, ध्यान से देखो आप। गिवन में है आपका टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू द रूट थ्री, देन मैं यहां से बोल सकता हूं साइन टू थीटा इज इक्वल टू द रूट थ्री बाय टू। अब यहां से क्या होगा, ध्यान देना, साइन टू थीटा, साइन का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो रूट थ्री बाय टू है? ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना, रूट थ्री बाय टू होता है। ओके अब देखो ध्यान से, यहां से हम क्या करेंगे, साइन को इनडायरेक्टली यहां से रिमूव करेंगे, तो टू थीटा इज इक्वल टू द क्या 60 डिग्री, देन यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आया 30 डिग्री। पार्ट वन कंप्लीट, पार्ट टू को ध्यान से देखना बच्चों। तो पार्ट टू में क्या है, डाटा गिवन क्या है मेरा, देखो ध्यान से। तो गिवन में है आपका कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू द वन, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, ये रहा कॉस थ्री थीटा, कॉस का ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जो वन के बराबर होता है, ये रहा मेरा कॉस जीरो, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ, ये थ्री थीटा इज इक्वल टू द जीरो, देन यहां से थीटा इज इक्वल टू द जीरो डिवाइड बाय थ्री, देन थीटा इज इक्वल टू द जीरो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।